आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। क्रिसमस का टाइम चल रहा है और घर में पड़े बेकार सामान से छोटे छोटे DIYs बना के मैंने क्रिसमस की डेकोरेशन की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें जो ब्लिंकिट या जैप्टो के साथ जो पेपर बैग आते हैं उनकी हमें इस तरह से चौड़ी चौड़ी सी स्ट्रिप्स काटनी है। उसके बाद इसको हम गीला कर लेंगे, पानी से इसको स्प्रे करके गीला करेंगे और उसके बाद ये थोड़ा नरम सा हो जाएगा। तो इस तरह से उसको मोड़ के हम क्या करेंगे, एक रस्सी जैसा बना लेंगे, क्योंकि मुझे इस DIY में जूट रोप, जो ब्राउन कलर की रोप रहती है, रस्सी रहती है, उसकी ज़रूरत थी। तो वो मेरे पास नहीं थी और उसको ख़रीदने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने इसी से जुगाड़ करके इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी रोप्स बना ली हैं। तो अब इसके लिए मैंने लिया है एक सर्कुलर कार्डबोर्ड का पीस और चार ये स्ट्रिप्स ली हैं जो बैम्बू स्टिक्स ख़राब झाड़ू में निकलती हैं, वो यूज़ की है मैंने। आप चाहे कोई भी स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, पतली पतली सी थोड़ी लंबी स्टिक्स यूज़ करनी है। अब इस तरह से मैं इसके इस सर्कुलर कार्डबोर्ड के चारों तरफ इसके इर्द गिर्द जो है मैं इन स्टिक्स को अच्छे से चिपका लूँगी ग्लू की हेल्प से और एक अच्छे से एक ट्रायंगुलर पिरामिड सा बना लूँगी। अब यूज़ करेंगे हम इन रोप्स को जो हमने बना रखी थी, इनको हमने इस तरह से सर्कुलर इसको अच्छे से बांधना है। एक हमें क्रिसमस ट्री बनाना है तो उसके लिए अच्छे से इसको चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक इन रोप से कवर कर देना है। इसमें ना सिर्फ एक क्रिसमस गार्लैंड है जो मैंने मार्केट से ख़रीदी है, बाकी सारा मैंने DIY ही किया है। तो इस गार्लैंड को मैं इस पर अच्छे से लपेट लूँगी ताकि ये अच्छा सा एक क्रिसमस ट्री बन के रेडी हो जाए। हमारा क्रिसमस ट्री बन के रेडी है। अब एक बड़ा सा सर्कुलर कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर इस तरह से सर्कुलर हम सारा कट कर लेंगे। अब हमें बनाना है एक क्रिसमस ट्री, इससे भी हमें क्रिसमस ट्री बनाना है। थोड़ा हमें हैंगिंग सा क्रिसमस ट्री बनाना है जो हम लटका सकें। तो इस तरह से निशान लगाए हैं, चार निशान जिनमें मैं होल करूँगी सारे जो ये सर्कल है कार्डबोर्ड के इस पे, इसी तरह से हम चार निशान और इनके बराबर लगाएंगे ताकि एक दूसरे से बाद में मिल जाए। तो इस तरह से मैं इसमें होल करती जाऊँगी अब जो भी निशान लगाए हैं। अब लिया है डार्क ग्रीन कलर जिसे मैं सारे इन पे सर्कुलर बेस पे कलर कर दूंगी अच्छे से ऊपर नीचे दोनों साइड, और साइड्स में भी थोड़ा थोड़ा कलर लगा के इसे अच्छे से कवर कर लूंगी। अब सारा ये जब कलर हो चुका है, सूख चुका है, उसके बाद मुझे एक ग्रीन कलर की रोप चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी। वाइट कलर का था ये थ्रेड तो मैंने इस पर कलर कर लिया, इसीलिए मेरे हाथ इस तरह से ग्रीन लग रहे हैं आपको, कलर लगा है मेरे हाथ पे। तो मैंने इस पर अब ये रस्सी जो है मैं इनमें डाल लूँगी, ये जो भी होल है, जितने चार पीस लेने हैं आपको रस्सी के। थोड़ा ग्लू लगा के इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे क्योंकि इतनी मोटी रस्सी है नहीं ये, तो निकल जाएगी इस होल में से। तो मैंने इसे अच्छे से नीचे ग्लू लगा के सिक्योर कर लिया है ताकि ये निकले ना।
अब ये हम चारों जो रस्सियां हैं इन सभी को एक एक होल में इंसर्ट कर देंगे। अब अगला वाला सर्कुलर जो पीस है हमें ऊपर लगाना है। तो इस तरह से आप किसी स्केल की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से नाप के मेज़र करके एक बराबर आपको रखना है सारे। तो उस तरह से आप अगली रोप को इंसर्ट करें और अगले सर्कुलर पीस को लगाना है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके जो जितने भी हमारे सर्कुलर पीस थे, चार या पांच, वो सारे के सारे ज्वाइन करने हैं। तो लास्ट में ये इस तरह से बन के रेडी है। इसके सबसे टॉप वाला जो लास्ट में सर्कुलर कार्डबोर्ड था उसमें भी रस्सी डाल के इंसर्ट कर लेंगे और उस तरह से हमारा ये पूरा क्रिसमस ट्री रेडी हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए, पूरा इसका लुक दिखाने के लिए मैंने इसे कर्टेन की रोड पे ही बांधा है अभी तक। तो इस तरह से इसका लुक आएगा पूरा। अब हमें थोड़ा डेकोरेट करने के लिए कुछ बनाना है। इसके लिए कुछ डेकोर्स बनाएंगे। उसके लिए आपको इस तरह के सर्कुलर पेपर लेने हैं, सर्कल में उसे काट लीजिए। कम से कम एक जो ये डेकोर है उसे बनाने के लिए 20 सर्कुलर पेपर आपको लेने हैं और इस तरह से हमें उसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फेविकोल लेना है और फेविकोल से इसके सेंटर में इस तरह डॉट लगा के ग्लू से चिपका देना है। सभी को हम इसी तरह से चिपकाते जाएंगे, सिर्फ एक डॉट लगाना है। जैसे जैसे डॉट लगाते जाएंगे इनको किसी भारी सी चीज़ के नीचे रख देना है ताकि अच्छे से तब तक अच्छे से चिपक जाए, ठीक हो जाए। जैसे ही ये सारे पीस जो है एकदम स्टिक होके रेडी हैं तो उसके बाद हम इस तरह से एक पीस लेंगे और दोनों तरफ इस तरह लाइन में हमें ये फेविकोल लगाना है। आप हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जल्दी चिपक जाएगा। फेविकोल को सूखने में टाइम लगेगा लेकिन मैं फेविकोल से ही बना रही हूँ। पेपर पे फेविकोल तो अच्छे से चिपक ही जाता है। तो इस तरह से हमें एक एक करके ये सारे पीस जो है 20 पीस, 20 कम से कम होने ही चाहिए, उस तरह से हम ये लगा देंगे, सारे स्टिक कर देंगे और फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे। एकदम से अभी हमें आगे काम नहीं करना है क्योंकि फेविकोल सूखने में टाइम लेगा। सब कुछ चिपकाने के बाद इसे किसी भारी सी चीज़ के नीचे रख दीजिए ताकि ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाए। अब जब ये बिल्कुल सूख जाए कुछ देर बाद, 10 से 15 मिनट बाद, तो हमें एक इतनी पतली सी एक रस्सी लेनी है, थ्रेड लेना है और इसको बीच में इस तरह से सेंटर में ग्लू लगा के चिपका देना है ताकि ये हैंग करने के लिए हमारे पास एक हुक सा बन जाए। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब इसे ओपन करने के लिए इस तरह से हम पहले ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका लेंगे। अब ये थोड़ा सा गीला था इसलिए एक साइड से जैसे मैंने चिपकाया दूसरी साइड से खुल गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, मैंने दोबारा ग्लू लगा लिया। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं, ये कम से कम 7 से 8 पीस। तो इस तरह से ये गोल्डन कलर का भी बनाया है जिसको अब मैं खोल के बता रही हूँ। आराम से इसे खोलना है, बहुत जल्दी नहीं करना है ताकि ये फट ही ना जाए पेपर। तो आराम से इसे इस तरह से चिपकाना है। तो आपका ये जो डेकोर है वो क्रिसमस ट्रे पे लगाने वाले, क्रिसमस ट्रे पे लगाने वाले जो बॉल होते हैं वो भी बन के रेडी हो जाएंगे। अब हमें बनाना है नेक्स्ट डेकोर, ये स्टार, जिसके लिए आपको लेना है ये ब्लिंकिट का पेपर बैग। ब्लिंकिट जैप्टो से ऐसे पेपर बैग काफ़ी आते रहते हैं, तो ये थोड़ा मोटा होता है इसलिए इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको काट लेंगे पहले। तो उसके बाद इसमें से हमें स्क्वेयर पीस कट करना है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वेयर पीस मैंने कट किया है। दो हमें चाहिए, एक स्टार बनाने के लिए दो चाहिए, दो पीस चाहिए ऐसे। तो आप चाहे कितना भी, जितना बड़ा आपको स्टार बनाना है उतना बड़ा आपको स्क्वेयर पीस कट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक पहले इसे डबल फोल्ड कर लीजिए और दूसरी तरफ से खोल के फिर इसको दोबारा फोल्ड कर लीजिए, दो फोल्ड। उसके बाद आपको इस तरह से तिरछे में इसको फोल्ड करना है एक बार और दूसरी बार दोबारा इसे तिरछे में फोल्ड करना है।
तो इस तरह से चार फोल्ड हो जाएंगे हमारे। अब ये जो सेंटर वाले फोल्ड हैं इनमें हमें कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, इसे सिर्फ हाफ़ कट करना है। सीज़र से इसे हाफ़ कट कर लीजिए, चारों जो ये बीच सेंटर वाले जो फोल्ड है उसी को कट करना है बीच में से, और हाफ़ हाफ़ कट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमें हमें ऊपर वाली साइड जो है वो क्लीन रखनी है, बिल्कुल साफ़ वाली साइड ऊपर रखनी है, इसलिए उल्टा किया है मैंने इसे। अब इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में हमें इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह के परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बनेंगे ये, बहुत अच्छे ट्रायंगल नहीं बनेंगे, लेकिन आपको इसे सिर्फ ट्रायंगुलर शेप में लेकर आना है। इस तरह से फोल्ड करके चारों कॉर्नर को आप अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब इसे थोड़ा स्टार की शेप देना है, तो उसके लिए ये जो ट्रायंगल हमने बनाए हैं इसको इस तरह से ग्लू लगाएंगे एक साइड में, और दूसरी को उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए चिपका देंगे, जिससे ये थोड़ी सी नीचे ना फुलावट सी आ जाएगी, तो ये स्टार लगेगा अच्छा सा प्रॉपर सा। तो इस तरह से हम चारों इसके जो साइड्स हैं उस तरह से चिपका देंगे। अब ये बन के रेडी है, आधा स्टार बना है अभी, हाफ है, तो दूसरा भी हमने इसी तरह से बना लिया है। अब दूसरे स्टार को हम क्या करेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे, इसके जो चारों जो इसके पीस हैं उनको अलग अलग से कट कर लेंगे, अलग अलग रख लेंगे। अब एक पीस उठा के उसमें ग्लू लगाएंगे इसके साइड्स में, और इस इन दो जो इसके कॉर्नर है इन दोनों के बीच में जो कॉर्नर है इस पे चिपका लेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो ये चारों हमने जो काट रखे हैं स्टार बनाने के लिए, इन सबको हम इनके कॉर्नर पे इस तरह से लगा देंगे। अब क्रिसमस स्टार बन के भी रेडी है, तो अब इसको हम करेंगे गोल्डन पेंट। गोल्डन पेंट करने के बाद अब हमने मैंने लिए ये कुछ डिस्पोजल कप, जिसको गोल्डन पेंट कर देंगे, जिसको बेल बनाने के लिए जो क्रिसमस बेल होते हैं जिंगल बेल वो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब ये दिवाली की लाइट्स तो हमारे घर में होती ही है, तो इस लाइट्स को लेके मैं दीवार पे एक क्रिसमस ट्री बनाऊंगी। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये क्रिसमस ट्री बनाया था, और बाद में ये लाइट ख़राब हो गई, तो फिर मैंने इस लाइट को चेंज कर दिया। दूसरी वाली लाइट से मैंने क्रिसमस ट्री बनाया दोबारा से, लेकिन अच्छा ही हुआ ये वाली लाइट ख़राब हो गई, क्योंकि दूसरे वाले जो लाइट से दूसरी वाली लड़ी से ना काफ़ी अच्छा क्रिसमस ट्री बना, और इतना इससे इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा जितना उससे बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये मैंने मल्टी कलर लाइट ली है, और अब ये जो हमारा हैंगिंग क्रिसमस ट्री है उस पे हम इसको टेप की हेल्प से चिपकाते जाएंगे, इसको पूरा हमें लाइट से कवर कर लेना है।
अब सारी लाइट्स लगाने के बाद बाकी जो भी क्रिसमस का डेकोरेशन बनाया है हमने, सामान बनाया है डेकोर्स, उन सबको अब अच्छे से सजाने की बारी है। तो ये जो मैंने स्टार्स बना रखे थे, 4 स्टार बनाए थे, इन छोटे छोटे ट्रीज पे लगा दिए हैं 2, और एक बड़ा स्टार जो है वो मैंने इस हैंगिंग वाले ट्री पे लगाया है। अब कुछ एक बॉक्स मैंने लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से गिफ्ट रैप कर लिया है। वैसे तो उन बॉक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है ये, लेकिन क्रिसमस ट्री के आगे हम हमेशा एक कुछ देखते हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह रखे होते हैं तो वो डेकोरेशन के लिए अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से मैंने एक कारपेट लिया है जिसे मैं इस एरिया में बिछा दूंगी, क्योंकि ये एरिया हमारा जो है वो क्रिसमस के डेकोरेशन के लिए है और यहाँ पे हम सारे डेकोर्स रखेंगे। तो इस तरह से मैंने ये जो स्टार्स बना रखे थे, एक बड़ा स्टार मैंने हैंगिंग वाले ट्री पे लगाया है और 2 छोटे छोटे स्टार्स बनाए थे जो मैं छोटे ट्रीज पे लगाए हैं। अब जो भी हमने डेकोर बनाया है हम सारे यहाँ पे सजा देंगे अच्छे से इसको। उम्मीद है आपको ये क्रिसमस डेकोरेशन का आइडिया पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैरी क्रिसमस। धन्यवाद।